गांव के विकास में योगदान देने वाले ऐसे भामाशाहों को हमेशा याद रखा जाएगा। राज्य मंत्री देवासी आलासन में 65 लाख की लागत से भामाशाह द्वारा नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का किया लोकार्पण। जालौर जिले के सायला पंचायत समिति के आलासन में भामाशाह द्वारा नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का गुरुवार को समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। भामाशाह पुनमा जी, लसा जी, पुख राजपुत्र, समेला जी, राजपुत्र, सौंतुआ किरानी परिवार ने अपनी माताजी जमुना देवी की स्मृति में करीब 65 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत का भवन बनाकर रामचंद्र की सेवा के लिए सुपुर्द किया है, जिसका लोकार्पण समारोह विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य अतिथि व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओडाराम देवासी की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते सांसद लुम्बाराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण सिंह राव, जिला प्रमुख राजेश राणा, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, जालौर प्रधान नारायण सिंह राजपुरोहित, सायला भाजपा मंडल अध्यक्ष नैनमल लखारा, पोषणा मंडल अध्यक्ष उदय सिंह दादाल, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष भवर सिंह बालावत, ओटवाला सरपंच दीपाराम मेघवाल, भाजपा जिला प्रवक्ता मुकेश राजपुरोहित, दीप सिंह धनानी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भामाशाह द्वारा निर्मित करवाए गए भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। उसके बाद सभी अतिथियों ने एक एक कमरे का अवलोकन किया। वहीं तत्पश्चात भामाशाह परिवार द्वारा आगंतुक अतिथियों का साफा माला एवं शॉल उड़ाकर बहुमान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद चौधरी ने कहा कि हर तरह का दान एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाता है, लेकिन गांव के विकास के क्षेत्र में किया हुआ दान कभी समाप्त नहीं होता है। उन्होंने भामाशाह परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज इस परिवार ने अपनी माता जी का नाम रोशन कर दिया। वहीं राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि गाँव के विकास में योगदान देने वाले ऐसे भामाशाहों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भामाशाह परिवार द्वारा अपनी गाड़ी कमाई में से गांव वालों की सुविधा के लिए भवन बनाकर देना गांव के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार है, ऐसे में अब गांव में विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत शुरू किए गए एक पेड़ माह के नाम अभियान से पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिलेगी। आज जिस तरह से विकास के नाम पर पेड़ काटे, उसको देखते हुए पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य माताओं के सम्मान में पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। उन्होंने बताया कि पौधारोपण के बाद पंचायत समिति स्तर पर मनरेगा श्रमिकों के माध्यम से इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे वह पेड़ का आकार लेकर उपयोगी बन सके। वहीं इस मौके मुख्य अतिथि जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि भामाशाह द्वारा करीब 65 लाख की लागत से ग्राम पंचायत भवन बनाकर देना बहुत ही अच्छा कार्य है। इसी भवन से ही जनता एवं गांव के विकास से जुड़े सारे कार्य होंगे। भामाशाह द्वारा बहुत ही श्रेष्ठ काम का संकल्प लेकर सभी सम्मानजनों को साथ लेकर नया आयाम स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में गांव के लिए भामाशाह की मदद से इस भवन को क्षेत्र के लोगों को सौंपा जा रहा है। इस दौरान विकास अधिकारी गौरव विश्नोई, CBO भंवरलाल परमार सहित कई ग्रामीण व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ाए बहार के द्वारा ग्राम पंचायत आलासन द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन आपके द्वारा भी। अभी इस साज में तराने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत है, और फिर जो मांगे जमाने से भी हम सब हनुमान की आपके ऊपर विशेष कृपा हो, लक्ष्मी जी की कृपा हो, और ऐसे ही श्रेष्ठ जीवन की धरोहर पूर्वजों से जो मिली है, विश्व की सुख शांति दात्री जो यहाँ की संस्कृति फली है, और उसे रखना चिरंतन, मृत्यु का भी सर कुचल कर, ऐसे आलासन वासियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हमेशा अपने स्थापना हुई तब इसी जगह भवन बनाया था, लेकिन लंबे अरसे के कारण वह जंजर हो चुका था। उनको निवेदन किया कि दोनों द्वारा प्रयास कर मात्र 15 दिनों में भवन गिराने सहित तमाम कार्य किए। आज मंच पर